राइट. सो यूजुअली लोग एक्सेस कॉन्शियसनेस में कब आते हैं, जब वो अपनी लाइफ में कोई चेंज ढूंढ रहे होते हैं. यू नो, कुछ लोग होते हैं जो सीकर्स होते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं किसी और चीज की. अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसी रियलिटी में जी रहे हैं कि यही सच है. जो भी उनकी परेशानी है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, कुछ और नहीं हो सकता है. लेकिन अगर आप लोग इस क्लास में बैठे हो तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूनिवर्स से शिफ्ट मांगा होगा. आपने ये बोला होगा कि इसको बदलो, या मुझे इससे बाहर आना है, या मुझे कुछ और चाहिए, या कुछ और पॉसिबल है. क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है उसके अलावा कुछ और पॉसिबल है. इसीलिए यूनिवर्स ने जो भी पॉसिबिलिटीज या जो भी शिफ्ट क्रिएट करना था वो किया, और फाइनली आप यहाँ गैरी एंड गैरी सिंह की. इट्स अ गुड थिंग कि आप एक सीकर हो, क्योंकि कुछ भी लाइफ में, वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी चेंज हुआ है, इन्वेंट हुआ है, नया बना है, तो वो किसी सीकर के थ्रू ही हुआ. जो तलाश ही नहीं रहा उसको कैसे मिलेगा. Here are some tips and information that may be helpful. And I said tools or techniques, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास होगा, पेजकस होगा, वो वाले टूल्स नहीं. कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसा वे ऑफ बीइंग, कुछ ऐसा वे ऑफ यू नो लिविंग योर लाइफ, जिसके थ्रू आप कुछ और लाइफ में अपने क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो उन सब को मिला के ही और फॉलो. तो एक्सेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फॉलो करना है. ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपने आज एक्सेस की क्लास अटेंड कर ली तो आपको ये रिचुअल्स हैं, रोज सुबह इतने बजे उठ के ये करना ही है, या ये आगे ये वाली क्लास करनी ही है, या इतने लोगों को ये करना ही. ऐसा कुछ भी इसमें नहीं. Right? So there is nothing that you have to. ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ बार्स की क्लास करी और आज वो बार्स रिसीव कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, और उससे ही उनकी लाइफ में बहुत चेंज है. You know? तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कि उससे वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो उससे भी बहुत कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं. मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बार्स की क्लास करी और फिर उन्होंने बार्स, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ट्रेनर बन गए वो बार्स के. उन्होंने अब लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है और वो सिर्फ बार्स की ही क्लासेस करते हैं और वो कमा भी अच्छा लेते हैं और लाइफ भी अच्छी चल रही है. और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो बार्स की क्लास करते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भैया अगर एक क्लास से इतना हो गया तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे मेरे जैसे. और उस चक्कर में वो और भी बहुत सारी क्लासेस करते हैं एक्सेस की. सो इट इज ऑल राइट विद व्हाटएवर यू चूज, एक्सेस इज ओके. मेरे लिए डिफरेंस क्या है कि एक्सेस से पहले बहुत बार उन सब बातों के लिए जो मुझे बचपन से पता होती थी मुझे गलत ठहराया जाता था. यू नो, मुझे वो स्पेस नहीं मिलता था जहां पर आई वाज राइट अबाउट नोइंग दैट, और इट वाज ओके अबाउट नोइंग समथिंग डिफरेंट. एक्सेस गेव मी दैट स्पेस, यू नो, एंड व्हेन आई गॉट दैट स्पेस मोर मैजिक स्टार्टेड शोइंग. तो एक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग. इट डज नॉट से कि गैरी डगलस ने इसको स्टार्ट किया था तो हमें फॉलो करना है जैसा उसने बोला उसको. राधर, यू नो, इट वाज सो फनी. मैं गैरी की एक क्लास अटेंड कर रही थी एंड उसमें ना समबडी आस्क्ड समथिंग एंड गैरी सेड डोंट फॉलो मी एंड ही टुक अ पॉज. एंड यू नो, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई वाज रियली वेटिंग इन दैट पॉज कि अब कुछ बहुत प्रोफाउंड सा निकलने वाला है कि यू नो ही से समथिंग कि तुम्हारे अंदर भी वही भगवान है अबाउट व्हाटएवर व्हाटएवर. एंड टू माय अटर शॉक ही सेड बिकॉज़ आई मे फार्ट. आई वाज लाइक रियली, एंड आई लाइक्ड इट सो मच. आई वाज लाइक दिस गाय ही वाज सो फनी. ही सेड या डोंट फॉलो मी बिकॉज़ आई मे फार्ट एंड इट विल नॉट बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, जस्ट बी योरसेल्फ. आई वाज लाइक रियली, लाइक दिस गाय इज अमेजिंग. So Gary himself says that you even this or anything in access, you don't have to buy it. These are the tools which has worked for him, which has worked for other people in their life. Use them. If they work for you,
use them further. If they don't use them. And so when we say no judgment at all, you know, when we are saying something as good or bad, isn't that a judgment too? So when we start operating from no judgment at all, no matter what is coming to you, when you will not have that judgment of you, of that thing, as a bad thing, it will contribute. You know, that is how it works. So, you know, especially in India, we have a point of view, that nazar lag jayegi. Right? Nazar kya hai? Ki humne हमारे आसपास एनर्जी के बैरियर्स क्रिएट करे हुए हैं. दे आर लाइक वॉल्स, एनर्जेटिक वॉल्स हैं जो हमें दिख नहीं रही, राइट? और जब भी कोई इंसान पर्टिकुलर वे से हमें देखता है या हमारे बारे में सोचता है, तो एक एनर्जी हमारी तरफ थ्रो हो रही है. लाइक दैट पर्सन इज सेंडिंग दैट, और द एक्शन ऑफ दैट पर्सन इज सेंडिंग दैट एनर्जी. वो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, और वो एनर्जी जब उन वॉल्स के थ्रू आती है जिसमें प्रोग्राम्ड है कि जब ऐसी वाली एनर्जी आती है तो ये हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बचपन में बहुत बीमार पड़ती थी. क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट आने से या कोई अच्छा काम करने से बाज नहीं आती थी, और जब भी कुछ ऐसे कोई प्राइज मिला किसी कॉम्पिटिशन में, कुछ हुआ तो पता होता था कि अब तो बीमार होना ही है, क्योंकि वो बचपन में ही प्रोग्राम हो जाता था कि नजर लग जाती है. मेरी मम्मी तो बस वो सारा टाइम नजर मारती रहती थी कि भाई मेरी बेटी को तो बहुत नजर लगती है. तो इट यूज टू बी लाइक अ प्राउड मोमेंट कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, अब तो दो तीन दिन के लिए होने ही है, राइट? सो आफ्टर आई केम टू एक्सेस, आई गॉट टू नो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हमारी रियलिटी बनाते हैं. क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, चाहे मेरा अपना नहीं था, किसी ने इम्प्लांट किया, मम्मी ने, आसपास की आंटीज ने इम्प्लांट किया कि नजर लग जाती है. तो जब भी वो वाली एनर्जी मेरी तरफ आती थी तो वो उसी प्रोग्रामिंग के साथ आती थी कि बीमार हो जाते हैं जब भी ऐसा होता है, और हो भी जाते थे. गैरी और डेन ने क्या किया, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया. सो देयर इज अ बुक, देयर इज अ कोर्स इन एक्सेस कॉल्ड मनी, हाउ टू बिकम मनी वर्कबुक. देयर इज अ वर्कबुक कॉल्ड हाउ टू बिकम मनी वर्कबुक, यू कैन इवन बाय इट. एंड प्लस देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटेटर्स इंक्लूडिंग मी, वी आल्सो डू क्लास ऑन दैट. तो उसमें ना गैरी सेज दैट, आई थिंक इसमें भी आएगा, मैनुअल में भी आएगा ये, दैट एवरी टाइम समवन इज जजिंग यू एंड यू आर एन अलाउंस ऑफ इट. अगर कोई आपको जज कर रहा है, जो वो हम जिस एनर्जी को कहते थे कि ये नजर लगने वाली एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है कि उस बंदे ने हमें जज किया कि हाँ ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है, या ये क्यों कर रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, या ये तो बहुत अच्छा है. दोनों केसेस में जजमेंट ही तो है ना. तो जब भी कोई आपको जज कर रहा है और आप उसको रिजिस्ट नहीं करते हो, यू नो, नीदर यू अग्री और अलाइन, नॉर यू रिजिस्ट और रिएक्ट टू इट, यू मेक $5,000 मोर दैट ईयर. आप उस साल $5,000 एक्स्ट्रा कमाते हो, राइट? आपके एनर्जेटिकली आपने उसको उसके साथ अलाउंस में आप आ गए. And every time you resist it, you make -$10,000 that year, right? And जब मैंने ये सुना तो मुझे realize हुआ कि हाँ, देखा जाए तो जो भी celebrities हैं या richest people in the world हैं, वो तो PR people को पैसे देते हैं अपने लिए judgment create करने के लिए. You know, they pay people की judgment. No, they say that no publicity is bad publicity. कि बदनाम हो रहे तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है. सो दैट इज हाउ दे वर्क फ्रॉम. सो एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि जब मैंने वो करना शुरू कर दिया कि ओके, व्हेन दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग, ब्रिंग इट ऑन, आई एम इन अलाउंस ऑफ इट, इट स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर इन माई लाइफ. सिर्फ क्या किया, पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया. So that is what Gary says कि in access we don't go by कि मुझे सिर्फ अच्छी एनर्जी चाहिए, बैड एनर्जी से मुझे प्रोटेक्ट करना है. क्योंकि आप तो इन्फिनिट बींग हो, जब आप खुद इन्फिनिट हो तो उसके अंदर तो गुड और बैड दोनों ही आ गया ना. जब आप उसको एज बैड जज नहीं करोगे तो आप उससे भी रिसीव.